देखिए भाई, वो BSF ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो है स्टेट वाइज वैकेंसी, मतलब जो आपकी स्टेट में जितना वैकेंसी है ठीक है उसी में आप लोग को मेरिट भी बनेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को उत्तर प्रदेश जैसे 400 पोस्ट है, 300 पोस्ट है, उसी में आप लोग को मेरिट बनेगा जो उसी स्टेट का बंदा रहेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग बताना चाहता हूँ स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज सेंटर है तो स्टेट वाइज वैकेंसी, मतलब वैकेंसी के अनुसार अभी ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ जगह जो है बहुत आसानी से ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है और कुछ जगह प्रॉपर दिखा जा रहा है, और कुछ जगह भी ऐसे दिखा गया है पहले आसानी से चल रहा था, अभी प्रॉपर दिखने लगा, शुरू कर दिया गया और थोड़ा ट्रेड टेस्ट में सख्ती कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो भाइयों ने ट्रेड टेस्ट की प्रैक्टिस किए हैं कम से कम एक महीना या दो महीना लगभग थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस किए है, ठीक है, एक महीने भी जो ट्रेड टेस्ट की प्रैक्टिस किए तो वो लोग आराम से पास हो जाओगे। तो मैं आज बताऊंगा अभी जो है कुक की ट्रेड टेस्ट में कई सेंटरों में क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, और लड़कों ने क्या क्या गलती करे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाइयों, बहुत बड़ा बड़ा एकेडमी का चैनल है, बहुत बड़ा मिलियन बिलियन सब्सक्राइब लिए, पर आप लोग को कभी कैसे नौकरी पा सको, कैसे आसानी से भर्ती से पास कर सको उसके संबंधित नहीं बताते हैं, पर एकेडमी की प्रचार की बताते हैं। ठीक है, तो मैं एकेडमी की कभी प्रचार नहीं करता, जैसे आप लोग नौकरी पा सको वो मेरा लक्ष्य है, ना कि ये मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये बोल रहा है लौकी काटने के लिए, ठीक है, लौकी काटने के लिए बोल रहे हैं। तो लौकी आप लोग को कैसे काटना है वो तरीका आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों लौकी काटने का तरीका, सबसे पहले लौकी को धो के छीलना है। ठीक है, पहले नहीं तो छील देना है, उसके बाद धो लेना है, धोने के बाद उसको आगे के हिस्सा और पीछे के हिस्से थोड़ा काट लेना है। ठीक है, उसके बाद बीच में दो चौराई करना है, उसके बाद उसको फिर काटना है, फिर धीरे धीरे टुकड़ा करते रहना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को लौकी काटना पड़ेगा, जिससे आप लोग ट्रेड टेस्ट में 100% पास हो जाओगे। नेक्स्ट सवाल है दूध वाली चाय बनाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो चाय है दूध डाल के इस चाय को बनाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, दूध वाला चाय आप लोगों को बनाने के लिए बोला जाएगा, वो आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सेंटर में बोला जा रहा है, तो आप लोग को ये चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, यदि आप लोग आता है तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, जो आप बहुत सारे भाइयों को मसाला चाय बनाने के लिए भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो मसाला चाय बनाना आप लोग को आना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग को मैं एक बड़ा चीज़ बता देता हूँ, ये देख लो दोस्तों, ये जो मसाला है उसको पीस के डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अदरक है, तुलसी का पत्ता सूखा, ठीक है, लौंग, ठीक है, दालचीनी और ये जो है ये सारे चीज जो मसाला दिख रहा है ना, इसको थोड़ा पीस के डस्ट करके इसको मसाला चाय में डाला जाता है, जैसे मसाला चाय बनाने के लिए। तो ये चीज को आप लोगों को पूछा जाएगा, ये आप लोगों को उधर ही बताना पड़ेगा। मसाला चाय बनाने के लिए ये सब मसाला थोड़ा बहुत लगता है, जैसे काली मिर्ची वगैरह देख लो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आलू काटने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ट्रेड टेस्ट में आलू काटने के लिए जब बोला जाएगा, आप लोग को आलू मिलेगा और आप लोग को आलू काटना पड़ेगा। ठीक है, तो कई भाइयों ने आलू काटने के समय बहुत बहुत गलत कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे भाइयों ने यही गलत कर रहे हैं, क्या है, बिना छिलके छिलका के साथ डायरेक्ट आलू काटने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर धोने के लिए कोशिश करते हैं, ये प्रोसेस सबसे भूल है। ठीक है, जिसके वजह से आप लोग टेस्ट में फेल हो जाओगे। ठीक है, ये चीज आप लोग को नहीं करना है। तो कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आलू को छीलना है। ठीक है, आलू छीलने के बाद, ठीक है, उसको धोना है। ठीक है, धोने के बाद आलू छील के धोने के बाद फिर आप लोग को काटना है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस आप लोग को करोगे आप 100% ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट जो है अलग अलग सब्जी के लिए आलू काटने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग वेराइटी सब्जी है उस तरीके से आलू काटने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग को कैसे अलग अलग सब्जी के लिए कैसे काट के दिखाना है तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख लो, ऐसे बहुत प्रकार की सब्जी, सूखी सब्जी बनता है, आलू चिप्स भी बनता है। ठीक है, आलू भुजिया बनता है। ठीक है, तो मिक्स सब्जी के लिए बनता है। ठीक है, और पनीर में भी कभी थोड़ा बहुत आलू पड़ता है। तो जिसके लिए बनाने वो इसी तरह आप लोग को काट के दो चार बार आप लोग को जब बोलेगा आप दिखाना है।
तो दोस्तों मैंने वीडियो में बता दिया भाइयों ने क्या क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या छोटा मोटा गलती कर रहे हैं जिसके वजह से ट्रेड टेस्ट में उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कर लेना, ठीक है, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ को आप लोग ध्यान दे लेना, ठीक है। पहले से भी मैं वीडियो भी बनाया हूँ कुकी ट्रेड टेस्ट के ऊपर जो कि सेंटर में अभी हो रहा है, तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस एक हफ्ता दो हफ्ता भी आपके हाथ में भी फिर भी तैयारी कर लो, ठीक है भाई। चले दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसीलिए बोलता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो, तो रेड कलर सब्सक्राइब बटन को पहले दबा दो, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।